देश में पिछले कुछ समय से पेट्रोल कारों व एसयूवीज का ट्रेंड काफी बड़ा है और एसयूवी सेगमेंट में पेट्रोल के मॉडलों की मांग में भारी इजाफा हुआ है और भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की कारों के बीच कंपटीशन काफी बढ़ गया है। इसके चलते कई कंपनियां 10 लाख रुपए से भी कम में भी अच्छी अच्छी एसयूवीज लॉन्च कर रही है और आज हम आपके लिए इस साल की अपकमिंग पेट्रोल एसयूवीज की जानकारी लेकर आए हैं। तो हे गाइस, मेरा नाम है साहिल और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और फर्स्ट अपकमिंग एसयूवी इज एमजी एस्टोर। एमजी मोटर्स भी अपनी ZS एसयूवी का पेट्रोल वर्जन इसी साल के अंत तक लॉन्च करने वाली है और बताया जा रहा है कि इसका नाम एमजी एस्टोर होने वाला है और यह नई एसयूवी ह्यूंडई क्रेटा और किया सेल्टोस को टक्कर देगी और इसमें दो पेट्रोल इंजन ऑप्शंस एमजी ZS पेट्रोल में 1.3 लीटर टर्बोचार्ज इंजन दिया जाएगा जो 163 पीएस की पावर और 230 का एनएम टॉर्क पीक जनरेट करेगा। इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के चॉइसेस मिलेंगे। और सेकंड अपकमिंग एसयूवी इज महिंद्रा एक्सयूवी 700। महिंद्रा एक्सयूवी 700 कंपनी की अगली नई मॉडल होने वाली है। इसे इस साल के दूसरी तिमाही में लॉन्च किया जाना है। इसे पेट्रोल व डीजल इंजन, मैनुअल व ऑटोमेटिक गियरबॉक्स विकल्प के साथ लाया जाएगा। यह 2.0 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन हो सकता है। महिंद्रा एक्सयूवी 700 कंपनी की पुत्र से एक नई एसयूवी होने वाली है जिसे ग्लोबल बाजार के लिए लाया जा रहा है। कंपनी का कहना है कि महिंद्रा एक्सयूवी 700 एसयूवी को कई आधुनिक तकनीक, दमदार परफॉर्मेंस व फर्स्ट क्लास फीचर्स के साथ लाया जाएगा। और थर्ड अपकमिंग एसयूवी इज फॉक्सवैगन टाइगून। फॉक्सवैगन टाइगून को दिवाली से पहले त्योहार सीजन के दौरान लॉन्च किया जाना है। नए मॉडल की ह्यूंडई क्रेटा और किया सेल्टोस के खिलाफ पोजीशनिंग की जाएगी। कोशाक की तरह ही नई टाइगून को भी सिर्फ पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा। पेट्रोल इंजन के दो ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। टाइगून कॉम्पैक्ट एसयूवी पावर के लिए 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज TSI पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। इसका इंजन 115 पीएस का अधिकतम पावर और 175 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करेगा। वहीं दूसरा इंजन ऑप्शन 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है। यह इंजन 150 पीएस का पावर और 250 एनएम का टॉर्क पीक जनरेट करेगा। कंपनी इस कार के साथ ट्रांसमिशन के 3 विकल्प पेश करेगी। कंपनी इसमें 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के बतौर स्टैंडर्ड देगी। वहीं 1 लीटर इंजन के साथ 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक और 1.5 लीटर इंजन में 7 स्पीड DSG ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा। और फोर्थ अपकमिंग एसयूवी इज ह्यूंडई एल्कजर। ह्यूंडई एल्कजर को अप्रैल माह के शुरुआत में पेश किया गया था। यह 6-7 सीटर एसयूवी होने वाली है जो कि क्रेटा 5 सीटर मॉडल से प्रेरित है। इस कार में 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाना है। इसका इंजन 159 bhp की पावर जनरेट करता है। इसमें 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स देगी और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक का विकल्प दिया जाएगा। ह्यूंडई एल्कजर को अप्रैल महीने के अंत तक लॉन्च किया जाना है, लेकिन देश में कोविड की स्थिति को देखते हुए इसके लॉन्च में मई तक के लिए टाल दिया गया है। और फिफ्थ अपकमिंग एसयूवी इज नेक्स्ट जनरेशन मारुति विटारा ब्रेजा। मारुति सुजुकी भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन विटारा ब्रेजा कॉम्पैक्ट एसयूवी को 2021 के अंत तक लॉन्च करेगी। नया मॉडल ने हेयरटेक प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा। माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम से लेस एसयूवी ज्यादा माइलेज देगी और इसमें मॉडर्न कनेक्टिविटी फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। नए ब्रेजा में BS6 सहित 1.5 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। इंजन में माइल्ड हाइब्रिड SHVS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यह 102 bhp की पावर और 134 न्यूटन मीटर का टॉर्क पीक जनरेट करेगा। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन दिए जाएंगे। और सिक्स्थ अपकमिंग एसयूवी इज स्कोडा कुशाक। स्कोडा कुशाक कंपनी की आगामी मॉडल है जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाना है। स्कोडा कुशाक को कंपनी जून 2021 में लाने वाली है। उसके पहले इसके ट्रिजर जारी किए जा चुके हैं। इसमें 1 लीटर 3 सिलेंडर TSI पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो 110 bhp की पावर और 175 एनएम का टॉर्क प्रदान करेगा। इसमें 6 स्पीड मैनुअल व 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिए गए हैं। वहीं दूसरा इंजन 1.5 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन होगा जो 150 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करेगा। इसमें 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DSG गियरबॉक्स दिया जाना है। और सेवंथ अपकमिंग एसयूवी इज सीट्रोन C21। फ्रेंच ऑटोमेकर कंपनी सीट्रोन ने अपने पहले लोकल मेड प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया है। यह एक सब 4 मीटर एसयूवी होने वाली है जिसका इसी साल यानी साल 2021 के थर्ड क्वार्टर तक इंडियन मार्केट में आने की उम्मीद है। कंपनी ने इसका कोड नेम C21 रखा है। इसका सीधा मुकाबला निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर से होगा। माना जा रहा है कि सीट्रोन के कॉम्पैक्ट एसयूवी में 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिल सकता है। यह मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरह के गियरबॉक्स के साथ आएगा जो 130 bhp की पावर देगा।
तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।